दोस्तों डंकी को राष्ट्रपति भवन में दिखाया गया और डंकी को देखकर श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया। नरेंद्र मोदी डंकी को देखकर कहते हैं, ऐसी मूवीज और आनी चाहिए। और इस बार शाहरुख ने और राजकुमार हिरानी ने जो स्टोरी बनाई है, ये हर किसी को देखने चाहिए। और वही जो लोग हमारे भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाते हैं, उनको ये मूवी लाजमी देखने चाहिए। और गलत रास्ता चुनकर आप अपनी जिंदगी को कैसे मुसीबत में डालते हैं, वो डंकी से बेहतर और कोई मूवी नहीं दिखा सकती। भारत एक बहुत ही उज्जवल देश है और इसकी युवा पीढ़ी काफी मेहनती है, और अगर वो भारत में रहकर अपने सपने पूरे करेंगे तो उसमें देश का ही विकास होगा। और वहीं कहा जा रहा है कि डंकी को नेशनल अवार्ड भी मिल सकता है, क्योंकि डंकी में जो कुछ दिखाया गया है वो सब कुछ सच है। और राजकुमार हिरानी की डंकी मूवी को पूरा देश पसंद कर रहा है। शाहरुख ने एक साल में 3 बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं, पहले पठान से देशभक्ति और जवान से राजनीति, और अब डंकी से एक बहुत अच्छा सामाजिक मैसेज देकर हर किसी के दिल को रुला दिया है। और शाहरुख ने जो एक साल में तबाही मचाई है उसको देखकर पूरी इंडिया हैरान है। दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में शाहरुख नंबर 1 पर आ गए हैं, और इस बार शाहरुख का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और शाहरुख ने जो सुनामी का बवंडर बॉक्स ऑफिस पर 2023 में मचाया है उसको देखकर हर कोई बोलता है, शाहरुख ग्लोबल स्टार है और उनकी पूरी दुनिया दीवानी है, और बॉलीवुड शाहरुख से है और बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख है। इनके बिना बॉलीवुड अधूरा है। सच बताना, आपने डंकी को कितनी बार देखा है और इसको कितनी बार और देखने जाओगे? और वहीं इंडिया में डंकी की एडवांस बुकिंग ने ताबड़तोड़ तबाही मचा दी है और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। और इंडिया में डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स भी मिल चुके हैं। इस पर YRF इंडिया में और ओवरसीज में डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब डंकी को सबसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की संभावना है, और ये अब एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। डंकी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है, जिसकी वीडियो आपको ट्विटर पर देखने को मिलती है। दोस्तों शाहरुख खान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जवान के बाद शाहरुख खान का स्टारडम काफी बड़ा है, और अब तो राजकुमार हिरानी की मूवी में शाहरुख खान आएंगे। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म। सच बताना, आप डंकी का कितना इंतजार कर रहे हो, और आप क्या डंकी का फर्स्ट शो देखने जाओगे कमेंट में लाजमी बताना। और अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको शाहरुख खान की हर एक मूवी की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना, ताकि हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।